नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल बेस्ट पेनी स्टॉक में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बताना चाहेंगे उस कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ से भी है आपका मार्केट कैप, जिसका करेंट प्राइस 2,143 रुपया है। कंपनी ने हाई और लो की बात करें तो 2,294 रुपये हाई लगाई थी और लो की बात करें तो 808 रुपये लो। पी ए स्टॉक की बात करें तो 93, बुक वैल्यू 94 रुपीज़, डिविडेंट ईयर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आर ओ सी की बात करें तो देख सकते हैं 29.5%, आर ओ सी की बात करते हैं तो 23.6%, फेस वैल्यू 1 रुपया देखने को मिला है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अब 55% का प्रमोटर है। डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 458 करोड़ का है, वॉल्यूम काफ़ी हाई देखने को मिला है। सेल्स की बात करें तो 3,472 करोड़ का सेल्स है। कंपनी पे कर्ज की बात करें तो आप यहाँ से देखें 80 करोड़ का कर्ज है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी हाई देखने को मिला है 46.2% का। रिजर्व की बात करें तो 1,876 करोड़ का रिजर्व है, तो ये कभी भी देश चुका सकती है। और ये कंपनी NSE और BSE पर दोनों पे लिस्टेड है ये कंपनी। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ तो ये कंपनी अस्ट्रल लिमिटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लम्बिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, यहाँ देखें तो काफ़ी अच्छा हर तरह से ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करती है, एग्रीकल्चर में भी काम करती है, प्लम्बिंग में भी काम करती है कंपनी, पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 और जून 2021 कोरोना महामारी के कारण कुछ इसमें सेल्स गड़बड़ाए हैं, बट कंपनी ने अपना रिकवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 और जून 2021 में सेल्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। दिन प्रतिदिन कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाई है। और यहाँ से सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ से देखें कंपनी ने हर 5 साल के बाद अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ाई है। 10 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 14% और 3 ईयर्स में 15% का सेल्स दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपनी ने 10 ईयर में 28% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है और 5 ईयर्स में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ और 3 ईयर्स में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 20-20% का हर ईयर्स में रिटर्न्स दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ से। और बैलेंस शीट की बात करें टोटल लायबिलिटीज़ देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ मार्च 2021 और जून 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर ने काफ़ी इस पर पैसा लगा रखा है, पब्लिक बहुत कम इसमें पैसा लगा रखा है क्योंकि काफ़ी महंगा ये शेयर है, तो इसीलिए पब्लिक ने इसमें इंटरेस्टेड कम दिखाया है, प्रमोटर ने ज़्यादा इसमें पैसा लगा रखा है, तो ये कल का मल्टी वगैरह भी साबित हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आगे की ओर देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट दिया था। ये 5 रुपये का पेनी स्टॉक है, आज 2,200+ का शेयर है इसका प्राइस, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। उसको भी हम दिखाएंगे, एगो न्यूज आई थी उसको भी हम आपको जिक्र करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं इस कंपनी ने मैक्स ऑल टाइम्स रिटर्न्स की बात करें तो 38,359% रिटर्न्स दिए हैं ऑल टाइम्स, आप देख सकते हैं यहाँ। और 5 ईयर्स के दौरान ने कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, आप देख सकते हैं 5 ईयर्स के दौरान में कंपनी ने 712% का रिटर्न्स दिया है 5 ईयर्स में, तो आप देख सकते हैं 712% का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एक बात बता दूँ दोस्तों, ये कंपनी ने 2007 में आप देख सकते हैं यहाँ से देखें तो 2007 में 7 रुपये का ये पेनी स्टॉक, 6 रुपये का पेनी स्टॉक है लगभग, आप देखें तो इस कंपनी का 2,142 रुपये का पेनी स्टॉक है बन गया, मल्टी बगर स्टॉक बन गया, पेनी स्टॉक जो मल्टी बगर साबित हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने में। 6 मंथ के दौरान देखें तो कंपनी ने 32% का 6 मंथ के दौरान रिटर्न्स दिए हैं, 1 मंथ के दौरान देखे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, कहीं उतार चढ़ाव कहीं देखने को मिला है बट कंपनी ने अपना रिकवर कर लिया है और आज मल्टीवर स्टॉक हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। 1 डेज के दौरान भी काफ़ी अच्छा देखने का रिस्पॉन्स देखने को मिला है, तो इस कंपनी पर आप आँख मूंद करके पैसा लगा सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों न्यूज़ में क्या आई थी, तो आप यहाँ से 24 रुपये वाला शेयर हुआ 2,064 रुपये का निवेश, 1 लाख बनकर 86 लाख रुपये से आगे तेजी रहा, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। मेन टॉपिक आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मल्टी वगैरह स्टॉक्स हिस्ट्री के अनुसार 30% में तेज़ी देखी गई है,
शेयर का भाव 1591 रुपये से बढ़कर 2085 रुपये पर आ गई है। वहीं पिछले साल अस्ट्रल के शेयर भाव में 104% बढ़कर 2063 रुपये के भाव पर आ गए। पिछले 5 साल पहले अस्ट्रल शेयरों के भाव पर 263 रुपये 63 पैसे था, तब इसमें 680% का रिटर्न्स दिए, तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी पे आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।